तो इधर बागमारा के तेतुलमारी थाना अंतर्गत हनुमानगढ़ी निवासी सेवानिवृत्त टाटा कर्मी सुरेंद्र पासवान का 28 वर्षीय पुत्र दीपक पासवान जो गत 28 नवंबर से लापता है, जिसका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। मामले में परिजनों ने जानकारी देते हुए कहा कि दीपक हमेशा की तरह इधर उधर घूमने के लिए घर से सुबह करीब 9 बजे घर से निकला था और फिर आज तक वापस नहीं आया। मामले को लेकर तेतुलमारी थाना में गुमशुदगी संबंध में लिखित शिकायत देकर मदद की गुहार लगाई गई है। तो परिजनों ने यह भी जानकारी दी है कि दीपक मानसिक रूप से बीमार था। एक तरफ जहां घर के पुरुष सदस्य आसपास सहित संबंधियों से संपर्क करते हुए झारखंड से लेकर बिहार तक खोजबीन कर रहे हैं, तो वहीं दीपक की मां का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों में संपर्क सूत्र जारी करते हुए आमजनों से मदद की गुहार लगाई है। मेरा लड़का 28 तारीख के गुमशुदा हो घर से निकल गया करीब लगभग 9 बजे दिन में, 9 बजे दिन में, मंगलवार दिन था, 28 नवंबर। और उसके बाद से हम लोग देखते रहेंगे आया नहीं। तो फिर 12 बजे दिन ढूंढे इधर उधर, नहीं पता लगा। फिर 2 बजे फिर हम लोग निकलने इधर स्टेशन तेतुलमा स्टेशन तरफ, इधर उधर अपने एरिया में खोज भी किए हम कि अब आएगा। धीरे धीरे शाम हुआ फिर जो से कि फिर स्टेशन तरफ घूमे कि कतरास तरफ चला गए, इधर क्या बोलता है भेलाटा कपूरिया एरिया देख सकिए, पता नहीं लगा हम लोग। 11 बजे रात तक हम लोग खोजबीन किए, हम लोग को दिखाई कहीं दिया नहीं। धनबाद जोशी गए वहाँ GRP को खबर किए, पोस्टल भी साटे वहाँ, लोकल थाना को बस स्टैंड में भी साटे, हाँ थाना में भी किए और अपना थाना में तेतुलमारी तो करवे किए हैं। बार बार बोले कि हम लोग जो है कि वायरलेस कर दिए हैं, लोग जहाँ देख रहे हैं आएगा खबर देखेंगे वैसा लड़का हम लोग आप लोग को खबर देंगे। तो बोले कि आप लोग को खबर मिलेगा तो खबर दीजिएगा, इस मांग करें कि हम लोग जाते हैं घूमने टहलने।